जहाँ हमेशा खतरा होता है। 8-10 आदमी बाइक में खेत मार गया इस मरघंटा। सुनने में ये आता था कि 4 बंदे गए, 1 मार गया, 3 पहुंच गए। कश्मीर घाटी को अपने स्वच्छ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता धरती पर स्वर्ग की तरह है और गुलमर्ग, पहलगाम और डल झील जैसी विश्व प्रसिद्ध जगहें इस स्वर्ग का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वर्ग के अंदर एक विचित्र घाटी है जिसे मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। मॉर्गन घाटी या मॉर्गन टॉप समुद्र तल से 12,125 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है और यह दक्षिणी अनंतनाग जिले के मुख्य शहर से करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन इसे जानलेवा बर्फीले तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण अब तक एक खतरनाक स्थान माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक असुरक्षित जगह होने के बावजूद मॉर्गन घाटी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। हमेशा यहाँ धूप, अगर 2-3 बजे तक धूप भी होगी तो धूप में भी बर्फ आती है। यहाँ हमेशा खतरा होता है। यहाँ ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आए हो तो 4 बजे से पहले मरगंडाप से। मॉर्गन घाटी चट्टानी पहाड़ों से घिरी है, यहाँ शायद ही कोई पेड़ हो। लोगों का कहना है कि जब घाटी में अचानक तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने लगती है तो आसपास के पहाड़ की चोटियों से टकराते हुए पत्थर और चट्टाने गिरने लगती हैं, जिससे उस जगह पर मौजूद लोगों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान खोजना बड़ी चुनौती होती है। भेड़ बकरियां चराने वाले खानाबदोश गुर्जर मौसम की ऐसी खराब स्थिति की वजह से खुद को अक्सर मुसीबत में पाते हैं। कम से कम 100-150 बैल मार गया था, तो 8-10 आदमी बाइक वक्त मार गया इस मरघंटाप में। ये इसी जून का महीना था। उसके बाद फिर जुलाई का महीना था 15 जुलाई में 3 बंदे इकट्ठे ही मार गए। मॉर्गन घाटी किश्तवाड़ और अनंतनाग जिले के बीच में है। ऊंचाई वाली जगह होने की वजह से यहाँ का तापमान गर्मियों में भी कम रहता है। बारिश या बर्फ के कारण यहां आने वाले लोग अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं। मैं बेसिकली आज से 4 साल पहले मड़वा वडौन में ड्यूटी दे रहा था, तो उन दिनों अक्सर जो ही मौसम सरमा आता था तो सुनने में ये आता था कि 4 बंदे गए, 1 मर गया, 3 पहुंच गए, 2 बंदे गए, 1 मर गया तो 1। अर्शद सलाम ने बताया कि सरकार आसानी से पहुंचने और इस जगह को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यहां बुनियादी ढांचा विकसित करने की कोशिश कर रही है। 2003 से जब रोड बनना शुरू हो गया, आरएनबी वायलू के अंडर में था और आधा आरएनबी किश्तवाड़ मड़वा के अंडर में आ रहा था। थोड़ा थोड़ा रोड बनना शुरू हो गया और फॉर्चुनेटली अब तो पिछले साल से हमने काम शुरू किया है पीएम जस्वे डिपार्टमेंट ने, तो अब मुझे लगता है कि इस नाम से तो अब मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। ये नाम अब बदलना चाहिए, ये अब वैली ऑफ डेथ्स नहीं रही बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये टूरिस्ट। प्रशासन अभी मॉर्गन घाटी में झोपड़ियों और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा रहा है। यह स्थान जल्द ही कश्मीर के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बन जाएगा। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इतनी ऊंचाई पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में कितना समय लगेगा और कब तक पर्यटक इस अलौकिक स्थान पर जा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।